इसमें एक चीज़ है, रफ पार्ट है, हाँ तो इतना, बट लाइनिंग सीधी रहनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना है बेटे। ये बीच का येलो कर दिया, तो ब्राउन इफेक्ट कैसा दे रहे हैं हम, बस इधर उधर लगा दिया है और इसको मर्ज कर दिया है हल्का हल्का। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं डार्क है कहीं लाइट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों के लिए नहीं है ये, मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोग जैसा मन करो उस तरीके से टेक्सचर दे सकते हो, ये मैं दूसरे हिसाब से टेक्सचर दे रहा हूँ। उनको दिख रहा है जैसे कि ये ब्राउन है। अब आपको मैं दिखाता हूँ हल्का समझे, ये इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर ले ले रहा हूँ, थोड़ा सा ड्राई हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि इसको फिर हम
वाला ब्रश से पार्ट को थोड़ा हल्का ग्रे करना है। चाहे तो व्हाइट कलर आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा उठाना है, ठीक है। और अब इसे मैं यहाँ ले रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा फुलावट आ रही है, वो ऐसे ही रखना है इसको। इसीलिए ये प्लेट का पार्ट यूज़ कर रहे हैं हम कि हमें इसको थोड़ा सा 3D इफेक्ट में देना है। और ये देखो, जैसे कि ये मैंने ले लिया है ना, और ये यहाँ रखा है, और ऐसे प्लेट चम्मच को खींच लेना है। घुमा रहा हूँ प्लेट को, इसको शीट को घुमा रहा हूँ, क्योंकि एक जगह से ये होगा नहीं, इसलिए बार बार मूवमेंट करना पड़ेगा है। जैसे कि ये यहाँ रखा और ये चीज थोड़ा पीछे था, सेम चीज और ये इस तरीके से ये होगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने का, इस चीज़ को मैं दोबारा बताऊँगा। इस एरिया से, इस एरिया में क्या है, एक दो तीन, अब लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? हाँ, तो इस तरीके से चम्मच के बैक से लेना बेटा कभी भी। और ये देखो, इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर दूसरा तो हमने कर, और लगाते हैं और फ्लावर बनाएंगे बेटा। फ्लावर का शेप सही लेना, ताकि ऐसा ना हो ना कि बाद में फ्लावर खराब लगे, ऐसे मत करना। फ्लावर का शेप सही लेना बेटा। तो बड़ा करने के लिए थोड़ा सा और स्प्रेड अप आप कर सकते हो, जैसे ये कर लिया, ये कर लिया, इसके टिप में ले लिया और टिप में लेके लगा दिया, तो फ्लावर का शेप में ले लिया। और चम्मच में लेके एक दो ऊपर एक जैसा फ्लावर के पेटल्स बनते हैं, को ले गया। आप चाहे तो ये ब्रश से भी कर सकते हो, बट मैं इसमें इसके लिए भी एक दूसरा छोटा चम्मच यूज कर रहा हूँ, और इसको लगा के मैं इसको, ये देखो, मैं थोड़ा थोड़ा लगा रहा हूँ। बिल्कुल हल्का सा इसके सेंटर में फील कर रहा हूँ बस। बिल्कुल
को संभाल के करना बेटे, इधर उधर कलर नहीं फैलनी चाहिए। डिपेंड्स करता है आप कैसे इसको लेना चाहते हो। मैं इसको हल्का हल्का सा टचिंग दे रहा हूँ और सेम चीज़